मन्हा का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, और मेरा असल नाम निदा शौकत जाफरी है। मेरे जो ज़्यादा चैलेंजेस हैं वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक मुझे यही लगता है कि मैं एक लर्निंग फेज़ में हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ये खुदा पाक का करम है मुझ पर कि बहुत राइटिंग के अर्ली फेज़ में ही मुझे DW जैसे इदारे के साथ काम करने की वो एक मौका मिल गया। मेरे ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो माइनॉरिटी राइट्स होते हैं, सिंगल पेरेंटिंग, सिंगल मदर्स, इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा बात होती है मेरे ब्लॉग्स में। मतलब मास अवेयरनेस के लिए मैं लिखती हूँ। सोशल मीडिया देखें एक ताकत है, ये अब आपके पास इख्तियार है कि आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो या बुरे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक टीचर हैं, एक स्केच आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ एक ब्लॉगर भी हैं। ये मुख्तलिफ मौजूआत पे ब्लॉग्स लिख चुकी हैं जिनमें सिंगल पेरेंटिंग, वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स जैसे मौजू शामिल हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये ब्लॉग राइटिंग की तरफ कैसे आई और एक अच्छे ब्लॉगर में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मन्हा हैदर साहिबा आपके वक्त का और आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका नाम बहुत यूनिक है, इसका मतलब क्या है? मन्हा का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, और मेरा असल नाम निदा शौकत जाफरी है। ठीक है, तो राइटिंग के लिए मैंने ये वाला नाम पसंद किया था कि मैं मन्हा के नाम से लिखूँगी। मैम, आप एक राइटर हैं, ब्लॉगर हैं और आप मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ भी काम कर चुकी हैं, मुझे ये बताइएगा क्या ये शौक और ये पैशन आपके अंदर बचपन में ही था या ये वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ? मेरे साथ सारी चीज़ें ही तकरीबन हादसाती तौर पे हुई हैं। राइटर का अगर मैं बताऊँ तो बचपन की एक याददाश्त मुझे याद आती है। क्लास सिक्स में मेरा ताल्लुक KPK से है, पेशावर से मेरी सारी स्कूलिंग हुई है। तो मेरे टीचर्स पठान होते थे और मेरी वालदा पंजाबी थी, तो मैं जुमले बनाया करती थी वालदा की मदद से, और वो क्योंकि रीडर थी उनके बुक से मैं अल्फाज वगैरह देख लिया करती थी। मैंने एक जुमला बनाया था कि भारत ने अपनी हठधर्मी से मसला कश्मीर को मारज इल्तवा में डाला हुआ है। टीचर पठान थी, उनको जुमला समझ नहीं आया, वो कॉपी उठा के प्रिंसिपल के पास ले गई कि ये जुमला सही है गलत है, मैं क्या करूँ इसका। क्योंकि मेरी अम्मा वाइस प्रिंसिपल थी तो उनको ये भी डर था गलत कर दिया तो वहाँ से कुछ ऐसा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा जुमला बिल्कुल ठीक है लेकिन ये इसकी एज से बहुत बड़ा जुमला है और ये बच्चा बड़ा होकर राइटर बनेगा। तो तब मैंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन बाद में आके वो चीज़ें मेरी लाइफ में शामिल होती गई। मैम, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चैलेंज या मुश्किल वक्त आया हो जहाँ आपको लगा हो कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी, फिर आपने उस टाइम को कैसे गुजारा और आप कैसे कामयाबी की तरफ गई? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे जो ज़्यादा चैलेंजेस हैं वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, और मुझे ख़ुद से लड़ना या ख़ुद को समझाना मुश्किल लगता है। पहला चैलेंज ये है कि कोई आप यकीन ना करे कि ये बंदा ये काम कर सकता है, वो जो बेतबारी होती है वो मुझे बहुत हर्ट करती है। ठीक है, एक वो, और एक अपनी जो नेगेटिविटी है उसको आप कैसे बाहर निकालते हो। तो उसका फिर तरीका कार यही होता है कि आप पेंटिंग कर लें, आप कुछ लिख लें, और अगर वो कुछ इतना नेगेटिव है कि वो कोई पढ़ नहीं सकता तो उसको जला दें, फाड़ दें। उसी होता है कि आप पेंट आउट कर देते हो अपनी नेगेटिव इमोशंस सारा कुछ, और आप आगे बढ़ सकते हो उस चीज़ को छोड़ के। मैम, किस टाइम पे आके आपको ये लगा कि आपके ब्लॉग्स जो हैं वो अब बहुत अच्छे हो गए हैं और आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो गए हैं और अब आप एक कामयाब राइटर हैं, ब्लॉगर हैं? ये तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक मुझे यही लगता है कि मैं एक लर्निंग फेज़ में हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ये खुदा पाक का करम है मुझ पर कि बहुत राइटिंग के अर्ली फेज़ में ही मुझे DW जैसे इदारे के साथ काम करने की वो एक मौका मिल गया, और उसके अलावा टीचर्स ऐसे मिल गए, दोस्त ऐसे मिल गए जो मुझे मुसलसल बता रहे हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना। तो जब तक आपके अंदर वो प्यास है ना सीखने की, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई बहुत अच्छी चीज़ बन चुका हूँ। वो एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस आपके साथ चलता रहता है। मैम, आपने जो ज़्यादातर ब्लॉग्स लिखे हैं वो किन टॉपिक्स पे लिखे और उन टॉपिक्स को क्यों चूज़ किया आपने? मेरे ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो माइनॉरिटी राइट्स होते हैं, या एक्सट्रीमिज़म हमारे माशरे में जो इंतहा पसंदी या बर्दाश्त का कल्चर नहीं है वो है, उसके अलावा
डिजिटल सिटीजनशिप बच्चों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के फेज़ में इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हुई हैं। और उसके अलावा हम लोगों का था सिंगल पेरेंटिंग, सिंगल मदर्स, इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा बात होती है मेरे ब्लॉग्स में, मतलब मास अवेयरनेस के लिए मैं लिखती हूँ। मैम, आपने अभी बताया कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हादसाती तौर पे हुआ, तो क्या आप टीचिंग की फील्ड में भी हादसाती तौर पे आई थी? टीचिंग की फील्ड से पहले मैं कॉस्मेटिक्स या फैशन इंडस्ट्री आप कह लें, मैं उसके साथ एफिलिएटेड थी, और मेरी फैमिली को लगता था कि बहुत क्रिएटिव है आर्ट्स में और सारी चीज़ों में, तो फ्यूचर सिक्योर ऐसे ही रहेगा कि ये ब्यूटिशियन या इस टाइप की किसी फील्ड में चली जाए। ताल्लुक क्योंकि KPK से था, APS अटैक हुआ और वो सब कुछ देखा था हम लोगों ने, तो तब उसके 2-3 दिन बाद मुझे लगा कि ये जो कुछ हो रहा है, आप लोगों को ऊपर से सजा सवार लो, अंदर से हम लोग टूटे हुए हैं सारे और हमें नहीं पता कि आगाही क्या है या शऊर क्या है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि टीचिंग वो वाहिद रास्ता है जिससे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों के बीच में ब्रिज बन सकते हैं और आप इस तरह बच्चों को एजुकेट कर सकते हो। तब गाना भी आया था मुझे, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो दुश्मन के बच्चे क्या अपने बच्चे ही आगाह नहीं थे, तो इसलिए फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन की तरफ आ गई हूँ सब कुछ छोड़ के। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिन जिन टॉपिक्स पे लिखा उनमें सिंगल पेरेंटिंग पे आपने क्या लिखा और उस टॉपिक पे आपने क्या क्या बातें की? सिंगल पेरेंटिंग बहसियत टीचर, एक तो टीचर को नॉन जजमेंटल होना चाहिए, तो बच्चे आके आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि कुछ बच्चे मेरे पास आए और उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आती थी, मैं उनको हल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उनके ज़ाती मसाइल होते, साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे उनकी वालदा या वालिद जो जिस सिंगल पेरेंट के साथ भी रह सकते हैं। तो एक तो ये था कि जब कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो उस बच्चे की पार्टिसिपेशन होती है वो कदरे कम होती है, जो कि ब्रोकन फैमिली से आया होगा, या तो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते या वो इमोशनली इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर लें, कुछ ऐसा हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको देख के मुझे लगा कि नहीं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है और ऐसे पेरेंट्स के बारे में बात होनी चाहिए, ऐसे बच्चों के बारे में बात होनी चाहिए, इस वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैम, इसमें आपने एडवाइस क्या दी? इसमें एडवाइस यही थी कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, हम लोगों के ना करिकुलम या निसाब में, इस पर भी मैं लिख चुकी हूँ, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग जब एक हैप्पी फैमिली की पिक्चर बनाते हैं तो उसमें एक बाप होता है, एक माँ होता है और 2 बच्चे हंस खेल रहे होते हैं, ये हमारे यहाँ एक हैप्पी फैमिली का एक पिक्चर है तसव्वुर। इंडिया में उन्होंने जब फैमिलीज इंट्रोड्यूस की तो उन्होंने अपनी जो बुक्स हैं उनके अंदर माँ के साथ भी बच्चे दिखाए हुए हैं, सिर्फ बाप के साथ भी बच्चे दिखाए हुए हैं, और ये बहुत सारे मुल्कों में ये काम अब शुरू हो गया, उन्होंने ये नॉर्मलाइज कर दिया कि अगर किसी के माँ बाप नहीं है, फौत हो गए हैं, अलग हैं, तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए टीचर्स में भी, स्टाफ में भी और हमारे इर्द गिर्द के लोगों में भी, ताकि वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल लेफ्ट आउट या अकेला महसूस ना करें। मैम, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आजकल के दौर में लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, आपने इस टॉपिक को भी एड्रेस किया अपने ब्लॉग्स में, तो इसमें आप क्या कहेंगी? सोशल मीडिया देखें एक ताकत है, ये अब आपके पास इख्तियार है कि आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो या बुरे तरीके से। आप इसको छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि अब अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो उस फॉर्म पे लिखा होता है कि आपकी लिंक्डइन आईडी क्या है, आपका फेसबुक प्रोफाइल क्या है, आपका इंस्टा अकाउंट क्या है, आपको वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। तो अब जो अब वाली जनरेशन है उनको इन चीज़ों से हम लोग दूर नहीं कर सकते, हाँ उनको हम गाइडेड डिस्कवरी के थ्रू आगाह ज़रूर कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स कैसे मैनेज करनी है और उनका स्क्रीन टाइम क्या होगा, क्या काम करने और क्या नहीं करने, जिससे उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो और वो एडिक्शन वाली साइट में ना जाएं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ब्लॉग राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशंस देंगी कि वो किस तरह से लिखने का आगाज़ करें? मैं सजेशन यही दूंगी कि बी योरसेल्फ, आप जो हैं आप जैसे रहें, आप किसी को कॉपी मत करें, क्योंकि आप जितना नेचुरल लिखोगे उतना वो लोगों तक पहुंचेगा। मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ती हूँ लेकिन मैं नहीं लिख सकती उन जैसा, मैं बहुत भी चाहूँ मैं उन जैसा नहीं लिख सकती। हाँ ये है कि ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप डॉट कनेक्ट करके कहानी मुकम्मल कर सकते हो, कहानियाँ पज़ल की तरह बिखरी होती हैं हमारे इर्द गिर्द, हम उनको इकट्ठा करके एक पूरी फॉर्म में ला के फिर उसको एड्रेस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और बी और सेल्फ, आप जो हैं आप वैसे, और आसान ज़ुबान में लिखें, ये सबसे बड़ी गुजारिश है। मैम, आप एक स्केच आर्टिस्ट भी हैं, तो इस तरफ आपका रुझान कब डेवलप हुआ? स्केच आर्टिस्ट मैं
क्योंकि मेरे बाबा बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे. ठीक है. तो वो मुझे अब याद भी नहीं है कब से, मतलब जब से होश संभाला मैं ड्राइंग करती आ रही हूँ. और फिर वो आगे पढ़ाया. तो और एक स्केचिंग करना आपका गुस्सा या आपकी नेगेटिविटी को कम करने का एक बहुत बड़ा टूल है. आप है. मैं वो बंदा हूँ जो किसी के पास जाके ये नहीं बता सकती कि मेरी प्रॉब्लम क्या है. मुझे ये लगता है सामने वाला मुझे जज करेगा. ये मेरा सबसे बड़ा फोबिया होता था. तो उसका मैंने वे आउट ये ढूंढा कि खुद पेंट कर लो या खुद कुछ लिख लो. तो उससे वो आपकी जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका काम है, उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपने सुने हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? मैंने वीडियो लेक्चर्स भी सुने हुए और मैंने उनकी काफ़ी एक फ़ैन फॉलोइंग देखी हुई है. और उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च की और कुछ लोगों के थ्रू मुझे पता लगा कि ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग तक नहीं था या ऐसा नहीं था कि सिर्फ लेक्चर हैं. ऑन ग्राउंड उनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वो लोगों को स्किल्स भी सिखा रहे हैं. जैसे तालीम मुमकिन एक प्रोजेक्ट का मुझे पता लगा जहाँ पे वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करें. उसके अलावा बच्चों को पब्लिक ट्रेनर्स के साथ जो है उनको जो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हैं उनके साथ डील करना सिखा रहे हैं. क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों की मॉरल ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है. बहुत बहुत शुक्रिया मनहा हैदर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ब्लॉग राइटिंग के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.